लोकसभा चुनाव के आखिरी तीन चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में तीन रैलियां कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। सुबह 10 बजे पंचुआ हॉस्पिटल के सामने जैतपुर मार्ग बाराबंकी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी की दूसरी जनसभा दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट फतेहपुर में आयोजित होगी। तीसरी जनसभा दोपहर 1 बजे हमीरपुर के राठ इलाके में होगी। तो आज भी यूपी में कई सारी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट करेंगे और दोबारा से बीजेपी सरकार बनाने की जनता से मांग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे। रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा के जगतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे अमित शाह की जनसभा होनी है। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे आज अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी, बलरामपुर, अयोध्या, कानपुर और बिहार के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे बाराबंकी में प्रधानमंत्री मोदी के सभा स्थल पर पहुंचेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे बलरामपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में दोपहर 2 बजे अयोध्या में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे बिहार के छपरा में पहुंचेंगे और छपरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार से लौटने के बाद में शाम 7 बजे लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज रायबरेली और अमेठी में संयुक्त रूप से प्रचार करेंगे। रायबरेली की रैली में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी और दोपहर 12:30 बजे अमेठी में और दोपहर 3 बजे रायबरेली में जनसभा होगी। रायबरेली की रैली में तीनों नेता मंच पर मौजूद होंगे। बागपत में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई जबकि परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को मेरठ रेफर किया गया है और महिला और बच्चों समेत परिवार के 6 लोग जुगाड़ की गाड़ी में सवार होकर डॉक्टर के यहां दवाई लेने जा रहे थे। तेज रफ्तार ट्रक ने जुगाड़ की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और ट्रक की टक्कर से गाड़ी पलट गई और हादसा शहर कोतवाली दिल्ली सहारनपुर हाईवे का बताया जा रहा है। ये जुगाड़ था, ये अच्छा वो बड़ा बस डेरी था, ट्रक अच्छा पीछे से लग गया, इसके ये लगते ही बड़ा लोड गया। कितने लोगों की मौत हुई है? 4 हां, हर एक लेडी। अच्छा, और कितने लोग थे? कितने लोग, कितने 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 घायल हैं? कितने घायल हो रहे हैं? घायल दो है। कहां के थे ये भाई? कहां के थे पता लगा? प्रतापगढ़ तालाब में नहाने गए चचेरे भाई डूब गए। दोनों भाइयों की डूबने से मौत हो गई। हादसा बागराय थाना क्षेत्र के रायपुर गांव का है जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए मिट्टी खोदने से गांव में तालाब बन गया था। दोनों चचेरे भाई इसी तालाब में नहा रहे थे। तालाब किनारे साइकिल देखकर गांव के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तालाब से दोनों के शवों को बाहर निकाला। चित्रकूट में बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई है। हादसे के बाद में ड्राइवर डंपर लेकर भाग गया। हादसा पहाड़ी थाना क्षेत्र में सिकरी सानी गांव के पास हुआ है। हादसे के शिकार हुए दोनों लड़के कूचारम गांव के रहने वाले बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लिफ्ट में फंसने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट के ब्रेक फेल हो गए थे तो वहीं अब ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 15 मिनट तक लिफ्ट बंद हो गई जिसमें एक बुजुर्ग महिला फंस गई। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, हर तरफ हाई राइज सोसाइटी नजर आएंगी लेकिन अक्सर सोसाइटी में लिफ्ट हादसे सामने आ रहे हैं।
अभी हाल ही में नोएडा के सेक्टर 137 में डराने वाला लिफ्ट हादसा सामने आया, जहां लिफ्ट का ब्रेक ही फेल हो गया। अब ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट अटक गई। करीब 15 मिनट तक 60 साल की बुजुर्ग महिला फंसी रही। लिफ्ट में 2 से 3 मिनट तक फंसने से ही पसीने छूटने लगते हैं। अब जरा सोचिए बुजुर्ग महिला की इन 15 मिनट में क्या हालत हुई होगी। सोसाइटी के पदाधिकारी के मुताबिक रात के समय टावर के में एक लिफ्ट अटक गई थी। अगर सोसाइटी में बिजली कट हो जाती तो पावर ब्रेकअप की सुविधा नहीं है, जिससे लिफ्ट भी रुक जाती है। बुजुर्ग महिला जिस समय लिफ्ट में फंसी उस वक्त बिजली चली गई थी। महिला 10वें फ्लोर से नीचे की तरफ आ रही थी। जब 15 मिनट बाद बिजली आई तब जाकर महिला को लिफ्ट से बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद उनके घर वाले गुस्से में दिखाई दिए। ये लिफ्ट पिछले 10 मिनट से बंद है, पावर आ चुकी है लेकिन ये ऑन नहीं है। अभी इसमें थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी फंसी हुई है। सिटी जी, कौन सा ERD सिस्टम लगा हुआ है और कौन सा लिफ्ट रिपेयर कराई है आपने, ये मेरे को बता दो। और अगर नहीं भी पता कर तो आपके सामने ये गार्ड है भैया, कितने देर से लिफ्ट बंद है? ये टाइम हो गया, थोड़ा टाइम हो गया। ये इनको कितने किस फ्लोर से निकाला आपने अभी? ग्राउंड फ्लोर से निकाला। ग्राउंड फ्लोर से ना? ये अपने आप आने चाहिए ना लिफ्ट B1 B2 पे? नहीं आइए। सिटी जी, इसको आज के आज मेरे को किसी को भेजो और चेक कराओ, और मेरे को 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। अब जरा सोचिए सोसाइटी में लोगों की सुरक्षा के कैसे इंतजाम है। लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सोसाइटी के AOA के मुताबिक कई बार बिल्डर से शिकायत की गई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जिसका खामियाजा यहां रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों में काफी गुस्सा है। सोसाइटी में 14 टावर हैं, जिसमें करीब 900 परिवार रहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर लापरवाही देखी जा सकती है। हाल ही में नोएडा सेक्टर 137 में खौफ पैदा कर देने वाला हादसा हुआ। लिफ्ट का ब्रेक फेल हो गया। हादसा पारस टियरा हाउसिंग सोसाइटी में हुआ। 2 बुजुर्ग महिला समेत 3 लोग लिफ्ट में सवार थे। लिफ्ट 4थे फ्लोर पर बिगड़ गई। लिफ्ट में मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट का ब्रेक फेल हो गया। वो नीचे आने की बजाय ऊपर की तरफ चल पड़ी। लोग बटन दबाते रहे लेकिन लिफ्ट नहीं रुकी, जिसके बाद लिफ्ट 24वें फ्लोर की छत को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। दिल्ली NCR में हाई राइज सोसाइटी बढ़ती जा रही हैं। बिना लिफ्ट के इन बिल्डिंग्स में चढ़ना उतरना संभव नहीं होता और अक्सर सोसाइटी में लिफ्ट के फंसने की खबरें सामने आती हैं। कई लोग घंटों तक लिफ्ट में फंसे रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।